यूनिट 2.3 और मौजू है लैंग्वेज प्रैक्टिस। ठीक है, तो पेज नंबर 34 है। टाइप ऑफ सम कॉमन इररेगुलर वर्ब। ठीक है, इररेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? आमतौर पर तो आपने देखा ना, वर्ब में क्या होता है, सिंपल आप ईडी आखिर में बढ़ा दें तो वो उसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। सही है, जैसे हमने देखा है कौन सा लफ्ज़ होगा, वर्क है, सेकेंड फॉर्म क्या होगी, वर्ग, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, वर्ग। सही है, इसी तरीके से वाक है, डब्ल्यू ए एल के वाक, सेकेंड फॉर्म क्या होगी, वाग, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, वाग। लेकिन कुछ जो है वो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रेगुलर नहीं होती, इररेगुलर होती है। इसमें आपको बहुत सारे इन्होंने वो दिए हुए हैं, मैं एक दफ़ा नज़र डाल लें सारे बच्चे। कॉस्ट, सेकेंड फॉर्म कॉस्ट और थर्ड फॉर्म भी कॉस्ट, ये तीनों फॉर्म एक जैसी हैं। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कीमत निकालना, वर्ब है ये। ठीक है, कट, कट का मतलब काटना, सेकेंड फॉर्म भी कट, थर्ड फॉर्म भी कट। हिट, हिट का मतलब मारना, फर्स्ट फॉर्म भी हिट, सेकेंड फॉर्म भी हिट और थर्ड फॉर्म भी हिट। उसके बाद हर्ट, 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 पुट, 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 रीड, 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 शट, 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 स्प्रेड, स्प्रेड और स्प्रेड। ये वो लफ्ज़ हैं, वो वाले वर्ब हैं जिनकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म तीनों क्या हैं, सेम है। उसके बाद नीचे आ जाइए जिसमें तीनों डिफरेंट हैं। बी, पहला इसका जो इज या आर होता है या एम, और सेकेंड फॉर्म वाज और थर्ड फॉर्म बीन। अच्छा, दूसरा बिगिन, बिगेन, बिगन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, चूज, चोज, चूजन, डू, डिड, डन, ड्रा, ड्रिव, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ड्रिव, और ड्रान, ड्रा का मतलब क्या होता है, तस्वीर बनाना पेंसिल से, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्राइव, ड्रो, ड्राइव इन, ईट, एट, एट इन, फाल, फेल और फाल इन, फ्लाई, फ्लू और फ्लोन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, गिव, गेव, गिवन, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, नो, न्यू, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू और थर्ड फॉर्म नॉन, राइड, रॉड, रिडन, रिंग, रैंग, रिंग का मतलब क्या होता है, बेल बजाना, बेल बजाने को क्या बोलते हैं, रिंग, रिंग, रैंग और रंग, राइज, रोज, राइजन, राइज का मतलब क्या होता है, उभरना, जैसे मशरक से सूरज उभरता है उसको राइज कहते हैं, रोज सेकेंड फॉर्म, राइजन थर्ड फॉर्म, सी, सा, सीन, शेक, शुक, शेकन, शो, शोड और शोन, तीनों एक जैसे नहीं है, सिंग, सैंग और संग, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्विम, स्वैम, स्वम, टेक, टुक, टेकन, थ्रो, थ्रिव, थ्रोन, वेयर, वोर, वॉर्न, ये सारे क्या हैं, इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। राइट, रोट, रिटर्न, आगे आ जाएं, बीट, सेकेंड फॉर्म बीटी होती है, थर्ड फॉर्म बीटन, बिकम, बिकेम, बिकम, क्या मतलब होता है बिकम का, होना, बनना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बिल्ड, बिल्ट और बिल्ट, थर्ड फॉर्म भी बिल्ट है और सेकंड फॉर्म भी बिल्ट है, याद रखें, ये बिल्ट इन समझ में आता है, बिल्ट इन, थर्ड फॉर्म बिल्ट इन है, नहीं, दोनों फॉर्म में क्या है, सेम है, बिल्ड भी और बिल्ट इन, बिल्ट भी। चलें, ये सारे तो आप देख लेंगे, ठीक है, आगे आते हैं। अब करना क्या है, काइंड ऑफ वर्ब्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, रेगुलर एंड इररेगुलर, ये इन्होंने पढ़ाया है। मोस्ट वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज आर रेगुलर, देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बोथ टेक ईडी। ठीक है, ये जो तीन फॉर्म होती हैं जिसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सही है, ये दरअसल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, क्या होती है,
हाँ, प्रेजेंट को शो करती है। सेकंड फॉर्म दरअसल क्या होती है? पास्ट को शो करती है। और थर्ड फॉर्म किसको शो करती है? फ्यूचर को नहीं शो करती, बल्कि पार्टिसिपल कहलाता है वो, सही है? उसको बोलते हैं पार्टिसिपल। जैसे प्रेजेंट इसकी क्या है? गो। सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या है? गोन। सही है? तो फर्स्ट फॉर्म आपके उस वर्ब को शो करती है जो प्रेजेंट में होता है अभी, और सेकंड फॉर्म किसको शो करता है? माजी में, गए, जाना, गया। और वो जो होता है वो होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब जा चुका, उर्दू में ऐसे सोचेंगे इसे, सही? जैसे मैंने, मैं फिल्म देखता हूँ, देखने को क्या बोलेंगे? वाच। मैंने फिल्म देखी कल और मैं फिल्म देख चुका हूँ, इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? तो इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट। इसको क्या कहते हैं? पास्ट। इसको कहते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? जिसका काम कंप्लीट हो गया हो, ठीक है? तो इस लिहाज से फॉर्म दो तरह के होते हैं। जैसे मैंने ये वाली फॉर्म लिखी, इसमें देखें आपने सेकंड फॉर्म किससे बनाई है? ईडी से। तो जो ईडी से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बने उसे क्या कहते हैं? रेगुलर। एग्जाम्पल में दिखा वाश, वाश्ड और वाश्ड, प्ले, प्लेड और प्लेट, काल, काल्ड और कार्ड। हाउ एवर, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स। तीन तरह के इरेगुलर वर्ब होते हैं, एज गिवेन ऑन द प्रीवियस पेज, जो पिछले पेज पे दिए गए हैं। टेबल थ्री टाइप्स ऑफ सम कॉमन इरेगुलर वर्ब गिवेन ऑन द प्रीवियस पेज इज अ रेफरेंस गाइड दैट कैन हेल्प यू इन टेंस यूजेज। अच्छा जी, टेंस क्या है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूज है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है, ठीक है? प्रेजेंट किस लिए होता है? रूटीन और हैबिट को बयान करता है, जनरल ट्रूथ को बयान करता है और करीब के फ्यूचर को भी बयान करता है, और डिस्क्राइबिंग समवन और समथिंग। जैसे मिसाल दी हुई, आई टेक अ बाथ एट 7 इन द मॉर्निंग, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टूर्नामेंट स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, और देयर कैच हैज ब्लू आईज। ये मिसालें किसकी हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। और प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है? जिसमें काम जारी हो, एक्शन इज प्रोग्रेस, टेम्पररी एक्शन, नियर फ्यूचर, और यूज ऑफ एम, इज और आर लगता है एनजी के साथ। आई एम राइटिंग अ लेटर, दे आर हैविंग अ गुड टाइम, ही इज लीविंग फॉर चित्राल नेक्स्ट वीक। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्शंस रिसेंटली कंप्लीटेड, जो अभी अभी कंप्लीट हुआ एक्शन, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अ पास्ट सिचुएशन रिलेटेड टू द प्रेजेंट, माजी की सिचुएशन जिसका ताल्लुक आज से है, इसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं, और उसमें हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ या पार्टिसिपल के साथ। और प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले साल 9th में टेंसेस, ठीक है? तो हम इसको रिपीट कर लेते हैं, जो बच्चे भूल गए उन्हें याद आ जाएगा। ठीक है, चार टाइप के आपके पास टेंस होते हैं। एक कहलाता है इंडेफिनेट, दूसरा क्या कहलाता है? कंटिन्यूस, और तीसरा क्या कहलाता है? परफेक्ट, और चौथा क्या कहलाता है? परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, चार तरह के टेंस होते हैं आपके पास, ये चार टाइप के जुमले होते हैं। असल में जब हम टेंस पढ़ते हैं तो हम पढ़ रहे होते हैं वर्ब। वर्ब का क्या मतलब होता है? काम।
वर्ब का क्या मतलब होता है। तो जुमले जो है ना, वो जब उन जुमलों में काम जाहिर हो, काम, तो वो फिर आते हैं टेंस के ज़ुमरे में। सही। आम जिंदगी में बोलने वाले जुमले दो तरह के आप सोच लें, एक वो जिसमें काम जाहिर होता है, एक वो जिसमें काम जाहिर नहीं होता। जैसे मैं बोलूँ मेरा नाम जाहिर है, जुमला तो मैंने बोला, इसमें काम जाहिर नहीं हुआ। ये हमारा क्लासरूम है, इसमें भी काम जाहिर नहीं हुआ। पंखा चल रहा है, इसमें काम जाहिर हुआ है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें काम जाहिर हुआ है। सही। तो जुमले दो तरह के हो गए, एक जिसमें काम होता है, जिसमें काम, हम जो इस वक्त पढ़ रहे हैं टेंस के ज़ुमरे में, वो क्या होता है, वो जुमले जिसमें काम होता है, वो जुमले जिसमें काम हो, काम का इजहार हो, काम के बारे में बात बताई जा रही है। सही है। ये जुमले चार तरह के होते हैं, इंडेफिनिट, रूटीन, सही है, जिसमें आपकी रूटीन हो, आदत हो, कंटिन्यूस, जिसमें काम जारी हो, काम हो रहा हो, परफेक्ट, जिसमें काम कंप्लीट हो चुका हो, ये कंटिन्यू ही है काम, और इसमें क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, स्पेलिंग कंप्लीट की, और परफेक्ट कंटिन्यू जिसमें काम अभी कंप्लीट भी है और काफ़ी वक्त से काम कंप्लीट हो गया, काम का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया और कुछ हिस्सा भी जारी भी है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, रूटीन, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, मेरी आदत है। ये आदत की, आदत का बयान है, हैबिट का बयान है, या रूटीन का बयान है, या नेचुरल ट्रूथ का बयान है। नेचुरल ट्रूथ क्या है, सूरज मशरिक से निकलता है, नेचुरल ट्रूथ है। सही है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, नेचुरल ट्रूथ है। वो जुमले जिसमें नेचुरल ट्रूथ हो, हैबिट हो, या रूटीन की बात हो, उसे आप क्या कहते हैं, इंडेफिनिट। इसका कंटिन्यूज इसी का कैसे बनाएंगे, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, अब इसमें काम जारी है, किताब पढ़ने का काम क्या है, जारी है। पहले वाले जुमले में क्या बयान हो रही थी, मेरी रूटीन, मेरी आदत। दूसरे वाले जुमले में क्या बयान हो रहा है, काम अभी जारी है। और तीसरे वाले जुमले में यही जुमला चेंज हो गया था, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। अच्छा, ये सब क्योंकि हम प्रेजेंट में बयान कर रहे हैं, किसमें बयान कर रहे हैं, लिहाजा ये सब प्रेजेंट के साथ आएंगे, ऐसे लिखेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं किताब पढ़ता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें काम का दौरानिया भी बता दिया जाए, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो चार तरह के आपके पास जुमले हो गए, एक जिसमें रूटीन या आदत की बात हो, दूसरा जिसमें कंटिन्यू हो, जुमला कंटिन्यू चल रहा हो, और तीसरा जिसमें काम कंप्लीट हो चुका हो, और चौथा जिसमें काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हो भी रहा हो और कुछ कंप्लीट हो गया हो। जैसे जब हमने कहा ना, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब 2 घंटे का काम कंप्लीट हो गया, बाकी काम अभी जारी है। ये बात क्लियर हो रही है आपको? तो प्रेजेंट में चार तरह के जुमले ही हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ या नहीं आ रहा है? ये मैं बहुत पढ़ाया आपको, मैंने 9th में भी पढ़ाया है, उससे पिछले साल भी पढ़ाया, 8th में, बल्कि हमारे यहाँ तो हर साल 9वीं 10वीं के बच्चे पढ़ाते हैं ये पूरे स्कूल को,
पेंसिल्स पहले वो जो उनको आते हैं, फिर हम एक दिन देते हैं जिसमें कहते हैं जाएं पूरे स्कूल में आप पढ़ाएं, तो 6, 7, 8 में जाके 9th वाले और 10th वाले पढ़ाते हैं। अगले वीक में आपको भी हम ये काम देंगे कि आप मुख्तलिफ क्लासेस में जाके 40 मिनट में आप ये वाला टॉपिक जो है वो बच्चों को सिखाएंगे, 6, 7 और 8 वालों को, 9, 10 के स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप सब कुछ समझ लें अच्छे तरीके से, और जो आप भूल गए वो आपको याद आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात जो आपको समझनी है वो क्या है, काम के लिहाज से जुमले 4 तरह के होते हैं। काम वाले जुमले 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 नाम आपको याद कर लें, नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर ये हाल में है तो सबके साथ प्रेजेंट लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और अगर ये माजी में है तो सबके साथ क्या लगेगा, क्या बना फिर, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और अगर ये सब फ्यूचर में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी जैसे ये सब लोग हाल में है ना जुमले, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़, अगर इसको पास्ट में लेके जाएंगे तो क्या होगा, मैं किताब पढ़ता था, मैं किताब पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ चुका था, मैं किताब 2 घंटों से पढ़ रहा था। और इसको फ्यूचर में लेके जाएंगे तो मैं किताब पढ़ूंगा, मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, फ्यूचर में होगा ये काम, मैं किताब पढ़ चुका हूँगा फ्यूचर में, और मैं 2 घंटों से किताब पढ़ रहा हूँगा। जुमला देखिए 4 हैं, ये 4 किसके साथ आएंगे, प्रेजेंट में भी आएंगे यही 4, पास्ट में भी आएंगे यही 4। तो सबसे पहले आपको बच्चों को जहन में ये बात बिठानी है कि काम के लिहाज से जुमले कितने किस्म के होते हैं, 4 किस्म के जुमले होते हैं सिर्फ। कौन कौन से, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। यही 4 जुमले प्रेजेंट के साथ आते हैं, यही 4 पास्ट के साथ आते हैं, यही 4 फ्यूचर के साथ आते हैं। तो इस तरह से टोटल टेंस हो गए 12। हम कहते हैं टेंसेस की तादाद कितनी है, आप कहते हैं 12। हकीकत में 12 हैं, लेकिन अगर याद रखने वाली बात है तो 4 हैं सिर्फ, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, और यही प्रेजेंट के साथ, यही पास्ट के साथ, यही। इंडेफिनिट में क्या बयान होता है, आदत, रूटीन, नेचुरल ट्रूथ। कंटिन्यूस में क्या बयान होता है, काम अभी जारी है, काम चल रहा है। परफेक्ट में क्या बयान होता है, काम मुकम्मल हो गया। और परफेक्ट कंटिन्यूस में काम कुछ हो गया है और कुछ अभी चल भी रहा है, कितना हो गया ये बता दिया जाता है उसमें, 2 घंटे का हो गया, 4 घंटे का हो गया। ये बात क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब मैंने जैसे उर्दू में मिसाल ली कि मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, इसको पास्ट में लेके जाएं, मैं किताब पढ़ता था, मैं किताब पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ चुका था, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। इसी को आप फ्यूचर में ले जाएं, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, मैं किताब पढ़ चुका हूँगा, और मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँगा। सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए ये 12 टेंसेस आप उर्दू में उनका जहन बनाते हैं। 4 टाइप के जुमले हैं, 3 टाइप के ज़माने हैं, और हर जुमले के 12 जुमले उसके जहन में आने चाहिए। जैसे मैं इसी के बाद जुमला लिखूं, तुम ख़त लिखते हो, मिसाल है, तुम ख़त लिखते हो, अभी एक जुमला है, कौन सा जुमला है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका कंटिन्यूस क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तुम ख़त लिख रहे हो। इसका प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, तुम ख़त लिख चुके हो।
इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा? तुम दो घंटे से खत लिख रहे हो, अब इसी को पास्ट में ले जाओ, पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा इसका? तुम खत लिखते थे। पास्ट कंटिन्यूस क्या होगा इसका? तुम खत लिख रहे थे। पास्ट परफेक्ट क्या होगा इसका? लिख चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा इसका? तुम दो घंटे से खत लिख रहे थे, सही है। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होगा इसका? तुम खत लिखोगे, लिखोगे, तुम खत लिखोगे। और फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होगा? तुम खत लिख रहे होगे, सही है। और फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा? तुम खत लिख चुके होगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा? तुम दो घंटों से खत लिख रहे होगे। सबसे पहले आपको बच्चों को पढ़ाने के दौरान ये 12 टेंसेस की उर्दू में स्ट्रक्चर जहन में बिठाना होती है। तो 12 टेंसेस की स्ट्रक्चर बिठाने से बेहतर है कि आप सिर्फ किसकी बिठा दें? 4 की, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी उर्दू के सेंटेंसेस भी जहन में बैठ जाएं। अच्छा, यही चारों किसके साथ बनाने? प्रेजेंट के साथ यही चारों, और यही चारों फ्यूचर के साथ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 12 टेंसेस के नाम बताइए, सिर्फ नाम, तो आप क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, सही। ये 12 टेंसेस के नाम हैं। असल में 12 याद नहीं रखने चाहिए, सिर्फ याद क्या रखना चाहिए? 4, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। और इन्हीं की जो है वो स्ट्रक्चर उर्दू में भी याद रखनी चाहिए। जैसे वो खत लिखता है, तो वो खत लिखता है, वो खत लिख रहा है, वो खत लिख चुका है, वो दो घंटे से खत लिख रहा है। ये स्ट्रक्चर आपके जहन में आपको भी याद रखना है और बच्चों के जहन में बिठाना है। मुख्तलिफ जुमले देकर आप बिठा सकते हैं। जैसे आप उनको जुमला दें कि अम्मी खाना पकाती हैं, इसके चारों बनाओ, तो बोलेंगे अम्मी खाना पकाती हैं, अम्मी खाना पका रही हैं, अम्मी खाना पका चुकी हैं और अम्मी एक घंटे से खाना पका रही हैं। जिस वक्त ये 4 जुमलों का उर्दू और इंग्लिश का स्ट्रक्चर उनके जहन में बैठ जाएगा, तो बुनियादी तौर पर आपने पूरे बच्चों के जहन के अंदर एक स्ट्रक्चर, एक खाका खड़ा कर दिया, सही है। अब इस खाके के अंदर फिर हमें रंग भरवाना है, इस खाके के अंदर हमें काम कराना है कि इनकी इंग्लिश कैसे बनती है, इनकी इंग्लिश कैसे बनती है। तो इंग्लिश बनाने के लिए आपको बच्चों को समझाना पड़ेगा एक बात अहम। पहले ये पढ़ा दिया आपने, स्ट्रक्चर जहन में बनवा दिया, और अब हम क्या बना रहे हैं? अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? हाउ टू ट्रांसलेट टेंसेज इन इंग्लिश, ये हम पढ़ने जा रहे हो। तो सबसे अहम बात ये है जो याद रखने वाली है, जो बच्चों को समझ में नहीं आती, वो उसका उस पर सबसे ज़्यादा ज़ोर देना है। वो ज़ोर क्या देना है कि उर्दू ज़बान में जब हम बात लिखते हैं तो हम लिखते हैं काशिफ खाना खाता है। ये इसमें काशिफ काम करने वाला है, क्या है? काम करने वाला। वो क्या काम करता है? ये वो काम कर रहा है। और किस चीज़ पर काम कर रहा है? खाने पर काम कर रहा है, सही है। तो ये काम करने वाला, ये काम और ये चीज़, जिस चीज़ पर वो, उर्दू ज़बान में काम करने वाले को उर्दू में कहते हैं फाइल और इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? यानी जुमले में जो काम करने वाला है उसे क्या कहा जाता है, और जो वो काम करता है उसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं उसे वर्ब, सही है। उर्दू में इसको कहते हैं फेल,
और इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। और जिस चीज़ पर काम हो उसे उर्दू में कहते हैं मफूल, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। एक तो ये बात समझानी है उनको, जुमले में जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और वो जो काम करता है वो वर्ब कहलाता है, और जिस चीज़ पर वो काम करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये स्ट्रक्चर बिठाना जहन में ज़रूरी है, सही है। एक बात, दूसरी बात ये कि जब इसकी इंग्लिश बनाने बैठते हैं तो हमारे यहाँ बच्चा क्या करता है, पहले काशिफ की इंग्लिश बनाता है, उसके बाद खाने की इंग्लिश बनाता है। खाने की इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड। और उसके बाद खाने की इंग्लिश बनाता है, उसको बोलते हैं ईट। ये स्ट्रक्चर गलत है। हर बच्चा ये करेगा, जब भी उसको बोलेंगे इसकी इंग्लिश बनाओ, वो पहले किसकी इंग्लिश बनाएगा, फिर किसकी बनाएगा, वो लव्स टू लव्स की इंग्लिश बना और आखिर में हे की इंग्लिश भी बना देता। पता है आपको, इज ज़्यादातर बच्चे आप जाएँ पाँचवीं क्लास में चौथी क्लास में, ज़रा जुमला लिखे हैं, बोले इसकी इंग्लिश बनाओ, पूछेगा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो लिख देगा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो लिख देगा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो लिख देगा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो लिख देगा। ठीक है, तो बच्चों के जहन में आपको ये बात बिठानी है कि नहीं, जिस रुख से उर्दू के जुमले होते हैं उस रुख से इंग्लिश के जुमले नहीं होते। इंग्लिश वाले इसको ऐसे सोचते हैं, काशिफ, पहले वो सोचते हैं सब्जेक्ट, फिर क्या सोचते हैं? वर्ब, खाता है, और आखिर में क्या सोचते हैं? ऑब्जेक्ट, खाना। इंग्लिश वाले ऐसे सोचते हैं, काशिफ खाता है खाना, ऐसे सोचते हैं वो। उर्दू वाले कैसे सोचते हैं? काशिफ खाना खाता है। इंग्लिश वाले कैसे सोचते हैं? उर्दू वाले सोचते हैं आबिद पतंग उड़ाता है। इंग्लिश वाले कैसे सोचते हैं? आबिद उड़ाता है पतंग। जब आप इंग्लिश बनाने जाएंगे तो पहले किसकी बनाएंगे? काशिफ की, फिर किसकी बनाएंगे? खाता है की, और फिर किसके बनाएंगे आखिर में? ऑब्जेक्ट की। ये बात स्कूल के हर बच्चे को, आप जिन क्लासेस में जाएंगे फिफ्थ से लेके एट तक, उसमें आपको ये बात दिमाग में ठोक के बिठानी है सही से। क्योंकि हम जब भी उनको कोई जुमला देते हैं या कोई बात देते हैं तो वो क्या करते हैं? इसकी इंग्लिश बना देते हैं, इसकी बना देते हैं, इसकी बना देते हैं, इसकी बना देते हैं। तो बताना नहीं, ये सेंस उर्दू का है और एक सेंस किसका होता है? इंग्लिश का है। वो पहले काशिफ को बोलते हैं, बाद में उनकी इम्पोर्टेंट काम होता है, उनके पास चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती, काम इम्पोर्टेंट होता है। हमारे यहाँ क्या इम्पोर्टेंट होता है? चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। कौमों में भी फ़र्क हो गया, हमारे पास भी काम इम्पोर्टेंट नहीं है, चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। उनके पास चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इम्पोर्टेंट है? काम। इसलिए वो पहले फ़ौरन बाद क्या लिखते हैं? काम, उसके बाद क्या लिखते हैं? चीज़। सही है। हर जुमले को जब इंग्लिश बनाने बैठेंगे पहले जहन में इसको ऐसे बदल लेंगे, सही। जैसे मैं अभी लिखा था, मैं किताब पढ़ता हूँ, उर्दू में ऐसे बोलेंगे मैं किताब पढ़ता हूँ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैं पढ़ता हूँ किताब, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ किताब, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ किताब, मैं दो घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, सही। मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूँ किताब, ऐसे चेंज होता है। तो ये चेंज का फैक्टर उनको समझाना है, यानी पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। उर्दू का स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। ये उर्दू का है, ये गलत है। इंग्लिश में हमको ये वाली चीज़ फॉलो करनी पड़ती है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ये जो आखिर में है आता है ना, है, इसकी इंग्लिश हम नहीं बनाते। इसका, इसकी इंग्लिश टेंस के हिसाब से बनती है। अगर खा रहा है तो क्या आएगा? अगर खा चुका है तो क्या आएगा? चुका में हैज आता है, खा रहा में इज आ रहम आता है, और खाता है में कुछ भी नहीं आता, वहाँ जो है होता है वो ख़त्म हो जाता है। सही है। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक इसको रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको हम इससे आगे कैसे आप उसको ट्रांसलेट करना सिखाएंगे बच्चों को, वो बताएंगे।